हौसला, लगन, रुचि के साथ पढ़ाई के प्रति समर्पित छात्र छात्राएं ही मुकाम पाने के साथ अपने परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन करती है। इन हौसलावान बच्चों को तो अमीरी और ना ही गरीबी के परिवेश से फर्क पड़ता है, इनकी तो हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहगढ़ विकासखंड के किशनपुरा गांव के बलवंत यादव टैक्सी ड्राइवर की, जो एक साधारण परिवार से होने के साथ अपने परिवार का भरण पोषण टैक्सी चलाकर करते हैं। वहीं उनकी धर्म पत्नी भी सिलाई मशीन चलाकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कार्य में कोई रुकावट नहीं आने देती हैं। गर्व है ऐसे माता पिता पर जिनकी तीनों संतानों ने समूचे शाहगढ़ विकास खंड में शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। पुत्र अंशुल ने 12वीं क्लास में मैथ विषय से टॉपर रहा तो उसकी छोटी बहन उर्मिला यादव 10वीं कक्षा में सरस्वती शिशु मंदिर में 479 अंक प्राप्त कर अपनी स्कूल के प्रथम पायदान एवं शाहगढ़ ब्लॉक में द्वितीय स्थान पर रहते हुए उसने अपना आगामी लक्ष्य थानेदार बनने का बताया। तीसरी पुत्री ने भी अपनी 9वीं क्लास में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम अपने सभी शिक्षकों को और खास करके सौरभ सर को, जिन्होंने बहुत मेहनत की हमारे लिए, और अपने मम्मी पापा दादाजी। अच्छा, और जी जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर रहते हैं छात्र, अच्छे अंक नहीं ला पाते, उनके लिए कोई सलाह सजेशन? उन्हें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए और शिक्षकों की सलाह लेनी चाहिए और शिक्षकों की हर बात आज्ञा का पालन करना चाहिए। अच्छा, और सुना है कि आपका भाई हाई सेकेंडरी में शाहगढ़ ब्लॉक में टॉपर रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? जी हाँ, उनका भी हमारे पढ़ाई में बहुत सहयोग रहा है। और सुना है कि आपके पापा टैक्सी भी चलाते हैं, मतलब और हाँ, दूर से आती हैं आप? मेहनत करते हैं और मम्मी जी सिलाई करती हैं। अच्छा हाँ, तो किराना की दुकान है और वो बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। इसी तारतम्य में शाहगढ़ मॉडल स्कूल के बच्चों ने शासन से कुछ मांगे रखी। वहीं मॉडल स्कूल प्राचार्य केशव प्रसाद स्वर्णकार ने अपने स्कूल में 10वीं 12वीं में प्रथम द्वितीय तृतीय पायदान पर आए छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए पुरस्कृत किया। विद्यालय का इस वर्ष रिजल्ट बेहतर रहा, कक्षा 10वीं में 98.6% रिजल्ट रहा, कक्षा 12वीं में 95% रिजल्ट रहा। बच्चों ने बढ़िया प्रयास किया। कुछ बच्चे जो चूँकि कक्षाओं में कम आते थे, इस कारण से कुछ बच्चे रुक गए हैं, उनसे हम ये बोलना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, रुक जाना नहीं, एक योजना चल रही है उसमें अभी वो फॉर्म भर देंगे तो जून में फिर से परीक्षा हो जाएगी। उनके जो दो तीन विषय रुक गए थे वो आगे सक्सेस हो जाएंगे। और हमारे यहाँ के कक्षा 10वीं में राधा देवी यादव ने टॉप किया है विद्यालय में 477 अंक लेकर, और कक्षा 12वीं में सैली कौशिक ने 427 अंक लेकर टॉप किया है विद्यालय में। उन सभी बच्चों के लिए जो विद्यालय में टॉप किए बच्चे और उत्तीर्ण हुए हैं, सभी के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, ऐसे ही उन्नति करते हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय श्री केशव सोनी सर जी और हमारे स्कूल के सभी शिक्षक अमित सर, ब्रजेश सर और प्रवास सर जैसे सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन्हीं को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, संतुष्ट हैं अपनी सफलता से आप? हाँ, संतुष्ट हूँ। और क्या आगे क्या लक्ष्य है आपका? मैं नीट 2024 क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सफलता का श्रेय सभी स्कूल के शिक्षक एवं प्राचार्य महोदय को देना चाहूँगा, साथ ही साथ माता पिता, चाचा चाची और दादी को देना चाहूँगा, जो कुछ भी हो लेकिन हर हाल में अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट। स्कूल के सभी शिक्षकगण, प्राचार्य महोदय और अपने दादा दादी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे खुद से भी ज़्यादा चाहा और हमें पढ़ाई में मदद की। और मैं अपना श्रेय सभी टीचरों को और शिक्षक और अपने कोचिंग वाले टीचर को देना चाहती हूँ। मैं आगे चलकर मैथ सब्जेक्ट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगी और
बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। सफलता का श्रेय सभी टीचरों, सभी स्कूल के शिक्षकों को देना चाहती हूँ और अपने कोचिंग टीचर सौरभ राय सर को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने और हमारे सारे स्कूल के शिक्षकों ने हमारी बहुत मदद की और हमें सपोर्ट किया। इस कारण मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे टीचर और मेरे प्राचार्य को जाता है, जो खुद भी मतलब प्राचार्य होकर मेरे साथ हम लोगों को क्लास में भी पढ़ाए और अर्थशास्त्र का पूरा चैप्टर उन्हीं ने कराया, पूरी बुक उन्हीं ने पढ़ाई। और आपका? पहले अभी बीए करूंगी इधर ही से, फिर एमपीपीएससी की तैयारी करूंगी। क्या बनना?